Assalamu alaikum students, how are you students? Today my unit is 7. You know the unit 7 is about the water, and today we will solve the question and you will learn and write on winter pack. The first question is describe the water cycle. Aapne water cycle ko define karna hai ki water cycle hai kya. Its answer is the water cycle shows us how water in river, lakes and ocean is heated by the sun. कि water cycle हमें ये show करता है कि कैसे दरियाओं में, झीलों में और oceans में sun जो है पानी को गर्म कर देता है, and it rises in the air, और वो किस तरह हवा में उड़ता हुआ ऊपर चला जाता है. Then it cools, फिर ये पानी ऊपर जाकर गैस जब ऊपर जाती है तो ये ठंडा हो जाता है and falls to the ground, और ये पानी ठंडा होकर वहाँ दोबारा liquid में change हो जाता है और ज़मीन पर गिरता है. And run down hills, और वो दोबारा चोटियों से गुजरता हुआ and back into the river, दोबारा कहाँ जाता है, rivers में, ocean में, lakes में, दोबारा आकर वहाँ गिर जाता है. ये सारा सारा water cycle है कि कैसे सूरज जो है पानी को गर्म कर देता है, और वो जो पानी जो है वो एक गैस से, पानी जो है वो लिक्विड से गैस में चेंज हो जाता है, और वो गैस ऊपर जाकर ठंडी होकर क्लाउड्स में छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, और जब ड्रॉपलेट्स हैवी होते हैं तो वो ड्रॉपलेट्स जो हैं वो नीचे ज़मीन पर गिरते हैं, जिसे हम बारिश कहते हैं. वो बारिश जो है वो नदी नालों से होती हुई दोबारा समंदरों में, दरियाओं में जाकर गिर जाती है. दैट इज़ वाटर साइकिल. अल्लाह हाफिज़.